शाहरुख खान सहित इन स्टार्स की डेब्यू फिल्म का था ये हाल, कोई बॉक्स ऑफिस पर हिट तो कोई फ्लॉप। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन सहित तमाम स्टार्स हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। फैंस इन स्टार्स की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन स्टार्स की डेब्यू फिल्म का हाल कैसा रहा? आइए आपको बताते हैं कि इन स्टार्स के लीड एक्टर के तौर पर पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है फ्लॉप। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स ने किस फिल्म से अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया। शाहरुख खान ने टीवी इंडस्ट्री से अपना करियर शुरू किया। शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म दीवाना थी, फिल्म दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अक्षय कुमार, बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार अक्षय कुमार ने फिल्म सौगंध से अपने करियर की शुरुआत की। अक्षय कुमार की डेब्यू फिल्म सौगंध बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। सलमान खान ने फिल्म बीबी हो तो ऐसे से अपना बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। सलमान खान की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। आमिर खान, बॉलीवुड एक्टर ने फिल्म कयामत से कयामत तक से लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया। आमिर खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट। बताते चलें कि आमिर खान ने फिल्म यादों की बारात में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया। अजय देवगन एक्शन स्टार ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म फूल और कांटे से की। अजय देवगन की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म सात हिंदुस्तानी से की। अमिताभ बच्चन की डेब्यू फिल्म सात हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। संजय दत्त ने फिल्म रॉकी में लीड एक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। उनकी ये फिल्म सुपरहिट रही। बताते चले संजय दत्त ने फिल्म रेशमा और शेरा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम। सैफ अली खान की डेब्यू फिल्म परंपरा से डेब्यू किया। इस फिल्म में कई बड़े स्टार्स हैं। इसके बाद भी सैफ अली खान की डेब्यू फिल्म परंपरा फ्लॉप हुई। तो आपने इनमें से कौन सी डेब्यू फिल्म देखी कमेंट करके जरूर बताओ। इसी तरीके की और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।